मैटर वेव्स जिसको हम डिब्रोगली वेव्स भी बोलते हैं और मैटर वेव्स ड्यूअल नेचर शो करती हैं और दूसरे शब्दों में इसको कहें तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक नॉर्मल पार्टिकल है जिसका मास एम है और इसकी वेलोसिटी वी है तो ये मूविंग पार्टिकल है और इसके पास में क्या होगा मोमेंटम होगा v पार्टिकल की वेलोसिटी है v को स्पेसिफाई किया हुआ है अगर डी ब्रोगली कंसेप्ट देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये होगा कि पार्टिकल के साथ में एक वेव एसोसिएट है तो उसके पैरेलल एक ये वेव शो किया हुआ है और ये जो वेव है स्पेस के अंदर जिस वेलोसिटी से चलती है उसको फेस वेलोसिटी बोलते हैं और यू सिंबल से उसको डिनोट किया हुआ है यहां जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और जो सपोर्टिंग फिजिकल कंसेप्ट हैं, एसपीसी जो है जिसको मैं जनरली यूज करता हूँ लेक्चर के अंदर तो वो दो पॉइंट हैं उन दो पॉइंट्स को इस टाइप से लिखा हुआ है कि किसी भी पार्टिकल को या पार्टिकल की नेचर को कैरेक्टराइज करने के लिए आपको दो पैरामीटर की जरूरत पड़ती है नंबर एक एनर्जी और नंबर दो मोमेंटम सिमिलरली किसी वेव को कैरेक्टराइज करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की जरूरत होगी न्यू की जरूरत होगी और लेमडा की इधर एनर्जी की जरूरत होगी और मोमेंटम की जरूरत होगी तो ये पहला कंसेप्ट है इसको आप माइंड में रखना जो डी ब्रोगली का कंसेप्ट क्या है आफ्टर द आइंस्टीन व्हेन ही बेसिकली प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन दैट एनर्जी इज इन टर्म्स ऑफ द पैकेट्स, बंडल्स एंड ईच बंडल है एनर्जी ऑफ एच न्यू तो उसके बाद अभी जो डी ब्रोगली है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का आइडिया यूज करके जहाँ फोटोन को एज ए पार्टिकल ट्रीट करते हैं और फोटोन का जो मास है वो ज़ीरो होता है तो फोटोन मासलेस पार्टिकल है उस केस के अंदर अगर इसका इसको हम लोग कैरेक्टराइज़ करते हैं तो इसके लिए एनर्जी और मोमेंटम की ज़रूरत होगी तो अगर प्रोटोन की एनर्जी लिखना हो तो वी राइट दैट इट इन दिस फॉर्म एच न्यू no. अगर मोमेंटम लिखना है तो दट विल बी इक्वल टू ई अपॉन सी फॉर दस पार्टिकल सो ई इज इक्वल टू एच न्यू इफ यू पुट दिस वेल्यू हियर एंड न्यू इज इक्वल टू फर्दर सी अपोन लैमडा सो वी गेट दिस रिजल्ट एच अपॉन लेमडा सो पी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा

दे फाइन देव लेंथ और क्वेश्चन आया कि भाई क्या कोई पार्टिकल मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल भी वेव नेचर शो कर सकता है और किस पॉइंट पर आप कहेंगे कि हाँ ये वेव नेचर शो कर सकता है कोई भी मेटेरलिस्टिक पार्टिकल जिसके पास मास होगा क्या वो एक वेव नेचर शो कर सकता है यस इफ दिस फॉर्मूला इज ट्रू इन द लेफ्ट हैंड साइड यू सी दैट पी मोमेंटम राइट हैंड साइड यू सी लेमडा पी इज एसोसिएटेड विद दार्टिकल लेज एसोसिएटेड विद दाइड भाई आपकी वेव है और एक साइड पार्टिकल है तो कोई भी पार्टिकल वेव नेचर को शो कर सकता है यस प्रोवाइडेड द डायमेंशन द साइज ऑफ द पार्टिकल शुड बी कंपेरेबल टू देव लेंथ ओनली देन इट कैन शो दूल नेचर दीन्स पार्टिकल एज वेल एज ऑफ देश दिस इज दंडीशन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन यू कैन ऑब्जर्व कि भाई ये पार्टिकल आपकी वेव नेचर शो करेगा अब चलो ठीक है कि ये हम लोगों ने मान लिया की पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट है तो लेट चेक वेलोसिटी ऑफ दैट वेव यू इज द फेस वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ द वेव को डिफाइन करते हैं इनटू न्यू एंड लैमडा सो यू फेस वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड लैमडा हियर यू नो दैट ई इज इक्वल टू एच न्यू अगर न्यू की वैल्यू आपको पुट करनी होगी तो वो क्या होगी ई अपॉन एच और इन टर्म्स ऑफ द टोटल एनर्जी ई विल बी इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड एच एच इट इज सो न्यू यू कैन पुट दिस वन एम सी स्क्वायर अपॉन एच एंड लैमडा फ्रॉम द डी ब्रोकली कंसेप्ट इक्वल टू एच अपॉन पी इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी पी इज इक्वल टू एम बी पार्टिकल राइट सो इफ वी पुट बोथ वैल्यू न्यू एंड लैम्डा व्हिच आई हैव हियर सो यू विल गेट एच अपॉन एम वी इन टू एम सी स्क्र अपोन एच ये दो वैल्यू पुट कर दी और सिंप्लीफाई किया वी गेट दिस रिजल्ट सी स्क्वायर अपॉन वी नो यू इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी एक्चुअली यहां प्रॉब्लम आई है प्रॉब्लम ये कि यू नो सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट और कोई भी वेव और कोई भी पार्टिकल उस स्पीड से अभी ज्यादा नहीं चल सकता है बट हियर the इज द of वेलोसिटी ऑफ द वेव दैट इज एसोसिएटेड विद moving मूविंग than the speed of light. Got my question? c square upon v v तो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी आप उसको कितना भी एक्सलरेट करिए राइट right, तो सी को तो अप्रोच ही नहीं कर पाएगा वी तो नॉर्मल वेलोसिटी है पार्टिकल की वेलोसिटी है राइट right? तो अभी ये आंसर ये जो रिजल्ट है ये उस कंसेप्ट के साथ जो हम लोगों ने अभी पहले डिस्कस किया था कि पार्टिकल के साथ में एक वेव एसोसिएट है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क रेज कर देता है कि ये जो वेव है जिसकी वेलोसिटी है सी स्क्वायर अपोन बहुत ज़्यादा है तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता तो फिर क्या रीजन है तो लेट अस सी दैट रीजन अभी एक्चुअली कंसेप्ट है कि पार्टिकल के साथ में वेव तो एसोसिएट है लेकिन एक ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएट हैं ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज नॉट ए सिंगल वेव सो यू कैन कंसीडर ही फर्स्ट वेव वाई वन सेकेंड वाई टू ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाई थ्री वाई फोर राइट सो बाय दिस वे देर आर ए ग्रुप ऑफ वेव्स दैट इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ए सिंगल पार्टिकल के साथ में एक ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएट है तो इस तरीके से अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है इन सभी वेव्स का तो जैसे ये सुपर इम्पोजिशन के अंदर आप फाइंड आउट करते हैं उसी तरीके से इन सब वेव्स का यहाँ सुपर होगा और जो रिजल्टेंट है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं ये जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका जो पैटर्न होगा वो इस टाइप से आपको दिखाई पड़ेगा ये जो चीज है राइट right? तो इस तरीके से ये इस तरीके से एक वेव पैटर्न आपको दिखाई पड़ेगा ये रिजल्टेंट वेव है जो येलो कलर में है अगर जैसे अभी मैंने ये पर्पल कलर से इसकी बाउंड्री बनाई है और इसको बंद कर दिया है अब मैं इसको अगर बंद कर दूं इसके अंदर लाइन के अंदर तो मैं ये कहूंगा कि मैंने इसको वेव को एनवलोप के अंदर रख दिया है तो इसको एनवलोप बोलते हैं ये जो डोटेड लाइन है जिसके अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव है और ये वेव्स पैटर्न कैसे मिला है आपको एक ये सुपर इम्पोजिशन के थ्रू मिला है वो जो ग्रुप ऑफ वेव्स है उनका सुपर इम्पोज हुआ है और बिकॉज ऑफ दैट यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ पैटर्न सो तो यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ राइट? Right. ये अभी कहा? इसको मैंने एनवलोप कहा और इसको दूसरा वेव पैकेट भी बोलते हैं ये वेव पैकेट स्पेस के अंदर जिस वेलोसिटी से चलता है जिस वेलोसिटी से चलता है उसको ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं और वीजी के थ्रू डिनोट करते हैं बेसिक फार्मूला इसका डेल्टा अपॉन डेल्टा के है वेयर डेल्टा ओमेगा सो दिएशन वेरिएशन इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसीज डेल्टा के क्या है ये प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट है तो वी हैव कंसिडर्ड लार्ज नंबर ऑफ वेवसर सो देर आर वेरिएशन इन टू द फ्रीक्वेंसी ऑब्वियस देयर विल बी वेरिएशन इन टू द प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट ऑल्सो सो दैट रेसो बेसिकली डिफाइन द ग्रुप वेलोसिटी इन रियलिटी वेलोसिटी ऑफ दी पार्टिकल इज इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी ये जो पार्टिकल जिस वेलोसिटी के साथ में चलता है ये जो ग्रुप ऑफ वेव्स के थ्रू पैटर्न डेवलप हुआ है ये वेव पैकेट जिस वेलोसिटी से चलता है उसकी जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल होगी अब थोड़ा इस पॉइंट को अगर देखिए तो वी जी हमने अभी डिफाइन किया डी ओमेगा पोन डी इस ओमेगा और के इसको अगर हम थोड़ा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर क्रॉस ओमेगा के साथ में तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस के और यहाँ क्रॉस ओमेगा जो है वो होगा ई e, और पी इज इक्वल टू एच क्रोस के है तो ये आपका ऑसिलेटर जो होता है ऑसिलेटरी मोशन जहां आप देखते हैं किसी पार्टिकल की तो वहां इस एनर्जी को यूज करते हैं और मोमेंटम को तो डी ई अपोन डी पी तो बाई दिस वे यू कैन सी कि वी जी जो ग्रुप वेलोसिटी थी जो वेव की वेलोसिटी थी वेव पैकेट की वेलोसिटी थी दैट यू आर डिफाइनिंग इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी एंड मोमेंटम पैरामीटर राइट यू गोट द पॉइंट आ वन साइड इज द पार्टिकल अदर साइड इज द ग्रुप ऑफ वेव्स एंड इन दर्स्ट स्लाइड आई टोल्ड यू दैट पार्टिकल कैसे ट्रीट होता है कैसे कैरेक्टराइज होता है और वेव कैसे कैरेक्टराइज होता है तो यहाँ वी जी आपने देखा कि जो ग्रुप ऑफ वेव्स के साथ एसोसिएट है दैट कैन बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ दी एंड मोमेंटम सो लेटेस्ट चैक इट सपोज गया हम लोगों के पास में कोई पार्टिकल है जिसका मास एम है वहां पर कोई फोर्स अप्लाई आप करते हैं तो वो वी वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है फ्रॉम ए पोजिशन एंड रीच एट दिस पोजिशन बी सो सपोज किया यहां इसने डी डिस्टेंस कवर किया तो ये डिस्प्लेसमेंट है ए टू बीच बेसिकली राइट तो टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन दिस पार्टिकल स्टोर्ड इन दिस पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी सो डी ई वेरिएशन इनटू द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ए टू बी

डी एस अपॉन डी टी इज वेलोसिटी सो डी पी डोट वी और वी डोट डी पी रिमेन्स सेम सो हियर यू हैव सीन दट डी ईज इक्वल टू वी डॉट डी पी सो इन स्केलर फॉर्म मैग्नीट्यूड फॉर्म यू कैन राइट डी इज इक्वल टू वी डी पी एंड वी इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी पी राइट यहां आपने पार्टिकल कंसिडर किया और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है दैट डिफाइन इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी पी एंड यही तो वैलोसिटी आपकी ग्रुप की वेलोसिटी के थ्रू डिफाइन हुआ था तो बाय दिस वे वन कैन से कि भाई जो पार्टिकल है उसके साथ में मैटर वेव एसोसिएट है नोट ए सिंगल वे, एक वेव ए ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएट हैं सो वी इज इक्वल टू वी जी पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव ग्रुप वेलोसिटी ये मैं आपको बोल ही चुका हूं कि पार्टिकल को कैसे कैरेक्टराइज करते हैं और वेव को कैसे कैरेक्टराइज करते हैं तो ड्यूअल ने कंसेप्ट है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक्स वंस अगेन